कोयल का छोटा सा बच्चा बैट को खाना दे रहा था, उतना ये भाई साहब ने, हाँ मेरे बेबी, हाँ ये लो खा लो खा लो। और जब मेरी आवाजें आने लगी तो ये दोनों मेरे पास आ गए, है ना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आकाश विमल। हाउ यू गाइस डूइंग? आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और मेरा बच्चा जिसको जॉन्डिस हो गया था, माय कॉफी हियर, शी इज डूइंग ग्रेट नाउ। पर इसकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ फिश खाती हैं। ये मैडम सिर्फ फिश खाती हैं, तो इनको सिर्फ फिश देते हैं हम, है ना। ऐसे मफिन जैसे लगने लगी है ये अभी। आई कॉफी। आई वुड थैंक गॉड कि ये स्टिल शी इज़ वेरी मच प्लेफुल, जैसा कि आप देख सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। अगर आप लोगों ने यू नो, अगर प्रेयर्स भी नहीं कहीं तो थैंक यू फॉर द गुड वाइब्स। जस्ट ये पूरे दिन यहाँ पर चेयर में बैठती है, जब उसका मन करता है तब एसी में जाके बैठती है, और बस फिश या तो खाती रहती है या मांगती रहती है। पर हम लोग कभी इसको ना मना नहीं करते फिश के लिए। और इसका वेट गेन भी काफ़ी हो गया है, और विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग, है ना कॉफी, है ना। हाँ बस प्यार करते रहो। यस, अभी इसके थोड़े बाल भी आ गए हैं। और हम लोगों के पास एक और भाई साहब आए थे जिनको बहुत टाइम हो गया है, और उनकी पूंछ भी काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसको मैंने अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र किया है बास्केट में। कहाँ पर हैं भाई साहब? थोड़ा सा बस ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो अंदर घुस जाता है। ओए, यस हियर ही इज, ही सी। हाँ हाँ, बस सोने का टाइम है तो अभी बस अंदर ही घुसने रहना है। यस सब, यस। मैं आपको जैसे पता ही है कि रेस्क्यूज और वो सब काफ़ी होते रहते हैं, तो ये भी बेचारा रेस्क्यूड था, काफ़ी छोटा आया था और अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। इनकी एज का पता लगता है इनकी पूंछ से। अभी ये इतना बड़ा हो गया है कि ये अगर वाइल्ड में होता तो ये काफ़ी अपनी माँ बाप के पास पास घूमता रहता, और वो लोग शायद से इसको खाना भी लाके देते रहते। सो यस, ये अभी मेरी ना गोद में सो जाता है, मेरे पॉकेट में सो जाता है, ही इज़ लाइक दैट। और अब इसकी पूंछ भी खड़ी होने लगी है, तो ही इज़ गोना बी गुड। अभी थोड़े टाइम बाद जब ये थोड़ा सा और काटने लगेगा तो शायद से हम उसको रिलीज़ कर देंगे। मैट इज़ डूइंग गुड, जस्ट लुक एट हिम। स्क्विरल बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं। इसको हम बोलते हैं इंडियन पाम स्क्विरल, जिन लोगों को नहीं पता था इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं। और मेरा हेजहॉग यहाँ पे आवाज़ें कर रहा है। वो भाई साहब अपने खुदाई करते रहते हैं अंदर घर के। आई जब भी है हेजहॉग को सोना होता है तो उससे पहले वो उठकर वो सारे नीचे जितने भी, अरे कहाँ पर जा रहे हो आप, लुक एट हिम। तो जब भी है हेजहॉग को सोना होता है वो सारी अपनी बेडिंग साइड में कर देता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और वो ऐसे नीचे एकदम इंसानों की तरह फैल कर सोता है, विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। तो अभी आई हैव चेक्ड ऑन हिज फूड। इसको एप्पल्स बहुत पसंद हैं। अभी ये सॉफ्ट डाइट पर है। मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो दोबारा बनाऊंगा, डोंट वरी, इनके बारे में। अभी ये बहुत सारे मिल रहे हैं, आई नो, एंड ही इज़ क्वाइट गुड, लुक एट हिम। इसने चिपकना भी अभी स्टार्ट किया है, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया हुआ है ताकि ये चिपका रहे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू लर्न, ताकि ये पेड़ पर चढ़ जाए अच्छे से ना, जब बड़ा हो जाए तो उसके लिए ग्रिप बहुत ज़रूरी होती है। चलो हम इसको छोड़ते हैं, भाई साहब को जाइए। यस, यू वांट टू ईट समथिंग? ओए, हो वहाँ पर एप्पल रखा हुआ है तो उसको एप्पल ही चाहिए। थोड़ा सा हेल्दी कुछ भी खा ले भाई।
तो ये मेरे पास है कुछ कैट फूड, कैट फूड सोक्ड है ये, मतलब मैंने अभी 5-10 मिनट पहले इसको पानी में भिगा दिया था, तो अभी और फूल जाएगा। अभी 7 बजे हैं तो पहली फीड का टाइम होने वाला है। आप ये लेट मी टेल यू समथिंग, आप इसको सोक्ड कैट फूड को जनरली बर्ड्स को दे सकते हो, जो कि आपके पास अगर बर्ड्स आते हैं, जैसे आपके पास कौए के बच्चे आ जाते हैं या मैना के बच्चे आते हैं, या फिर ऐसे ही कोई बर्ड्स के चिक्स अगर आपके पास आते हैं, तो आप उनको ये सोक करके कैट फूड दे सकते हो। कैट्स भी इसको अच्छे से ही डाइजेस्ट कर लेती हैं, तो यू नो इट्स क्वाइट गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो। आज सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो मैं अलास्का और स्नोई और साया को भी वॉक पर से लेकर आया। तो श्योर ही इज़, अभी तक ये भाई साहब अंदर सो रहे थे, और जब मेरी आवाज़ें आने लगी तो ये दोनों मेरे पास आ गए, है ना। स्नोई मैडम एसी में सो रही हैं अच्छे से। ओए साया, साया साया इज वॉचिंग वहां पर सहारा और कायरो को क्योंकि वो खाना खा रहे हैं। आई जस्ट मेक यू मीट देम ऑल्सो। अभी ये लोग बाहर आए तो ये भी आ गए। ये भाई साहब कायरो सबसे ज्यादा शैतान है, इसके इसके दिमाग में कुछ चलता ही रहता है हमेशा। और जो मैंने अभी खाना सोख किया था, ये वही खाना है जो कि मुझे ऐसे लंच में रखना पड़ता है ताकि ये सारा ना खा ले, है ना। और शक्ल इतनी भोली है इसकी। ओ हाँ, आप जो भी करोगे इसको बीच में वो उसमें दखल अंदाजी करनी ही है। आप कुछ खाओगे तो उसको खाना है, इनफैक्ट अगर आप पिज्ज़ा भी खाओगे तो उसमें भी आके मुंह मारेगा ये एक दो बार। बहुत छोटे छोटे से थे ये, बहुत ही कम टाइम में यू नो कैट्स बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। यस, मॉर्निंग फीड का टाइम हो गया है अब, सो वी आर गोना गो एंड वेक अप द पक्षी। हेलो, मैं इनको केज में रखता हूँ रात को, वरना ये सोते नहीं है। एंड दैट इज आवर डार्लिंग। यस, बहुत मेहनत लगी है इसका ये बिहेवियर बनाने में, तो अभी हम इन लोगों को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम इनको खाना देंगे। हाँ, आई एम सॉरी, दे रहा हूँ खाना, ये थोड़ा थोड़ा नींद में है अभी, अगर आप इसकी आंखें देखोगे तो। हाँ, इसको 5 मिनट लगेंगे थोड़ा उठ कर। बैट ने खाना खा लिया है एंड चीज वहां से वो देख रही है, लड़ाइयाँ ले रही है, विच इज अ वेरी गुड साइन। उसने काफी अच्छे से हील हो रही है। अच्छा चलो आ जाओ। हाँ, ओए अरे हाँ मेरे बेबी, हाँ ये लो खा लो खा लो। ये ऐसे एक्साइटेड हो जाती है मेरे को देखकर। अच्छा, अरे तेरे कैमरा है वो, अरे कैमरा है वो। तो जितने मैं अभी बैट को खाना दे रहा था उतना ये भाई साहब ने खेलना शुरू कर दिया सबने साथ। यस हाँ, वो ऐसे ही पुदकता रहता है पूरे घर में, और अलास्का इज वेरी हैप्पी टू सी हिम। अच्छा, सो ये वीडियो है इन मैडम के बारे में। ये है कोयल, कोयल का छोटा सा बच्चा। चुप हो जाओ भाई। तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आज यू कैन सी। हम दोनों को अभी इनको खाना देते हैं, लेकर चलते हैं। शट अप शट अप, ओए क्या कर रहा है। सो हमारा जो जैक है वो थोड़ा सा अभी खाने लायक हो गया है, खुद थोड़ा सा खा लेता है पर तभी मांगता रहता है। बस ठीक है, अगर मैं इसको नहीं खिलाऊंगा तो ये चिल्लाता ही रहेगा। तो ये है हमारी द इंडियन
फाइनली जैक कंट्रोल में नहीं आते हैं हमारे भाई साहब एंड वी हैव आर प्रिंसेस हियर. मतलब एक्चुअली में ये तो ये मेल है वैसे, क्योंकि अगर ये फीमेल होती तो थोड़ी सी अलग होती. और ये बहुत मुश्किल से इस लायक हुई है कि ये ना खुद खाना खाने लगा है अब, है ना. लुक एट हिम, ही इज वेरी ब्यूटीफुल. तो कोयल जब काटते हैं तो बहुत तेज काटते हैं. ये अभी फिलहाल खाना ही खाना मांग रहा है, काट नहीं रहा है. ओके सो ये होना बहुत नॉर्मल बात है. ये मेरे पास इसलिए फ्रेंडली हुआ है क्योंकि मेरे पास जैक है, वरना कोयल को पालना और फ्रेंडली करना बहुत मुश्किल होता है. और ये इनके बच्चे जो होते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा, कोयल हमेशा कौए के घोंसले में अंडे देती है, तो उसी वजह से इनके बच्चे इतनी ज़्यादा तेज़ बाइट कर पाते हैं बचपन में, और वो एकदम खाना छीन के खा लेते हैं. ये अभी बहुत छोटा है, ये खुद खाने लायक नहीं हुआ है, पर हाँ इसकी बाइट काफ़ी तेज़ है और ये मेरे को काटता ही रहता है. यस यस यू कैन सी. और वो भाई साहब ऊपर से मेरे को देख रहे हैं, ऊपर बैठकर. कोई अनजान आता है तो ये भाई साहब उसके सर पे बैठ जाते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं. इसको भी हम रेज कर रहे हैं, ये जब वाइल्ड हो जाएगा तो हम इसको रिलीज कर देंगे. मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस होता है कोयल में. जो आप सुंदर आवाज सुनते हो वो कभी भी फीमेल की नहीं होती. थैंक यू सो मच फॉर रूइनिंग माय हेड. ये जैक साइड में खड़े होकर मुझे जज कर रहा है. क्या क्या ये भी खाना मांग रहा है ना. हाँ ये लो खा लो. यस वो उसने खाया नहीं है, वो उसने मेरे हाथ में रख दिया है कि खा ले अब तू. तो जो मेल और फीमेल होते हैं कोयल में, उनमें डिफरेंस ये होता है कि जो आप सुंदर आवाज सुनते हो वो एक मेल की होती है हमेशा. फीमेल की आवाज बहुत बहुत अजीब सी, बहुत श्रिल आवाज होती है. आई एम सो सॉरी पर ये कटता ही रहेगा ऐसे आवाज. ओए खाओ इसको. कोयल में क्या होता है कि ये ना खाना उगल सकते हैं, मतलब एज इन अगर आप इनके अंदर तक भी गले में डालोगे तब भी ये खाना उगल देंगे. तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फोर्स फीड करोगे तब भी ये उल्टी कर देते हैं. तो इसलिए आपको फ्रेंडशिप करनी होती है इनसे अच्छे से. अगर आपने फ्रेंडशिप कर ली तो ये बहुत अच्छे से खाना खा लेंगे. यस यस. तो ये फैमिली होती है कुकू. कुकू एक फैमिली होती है जो कि बहुत अग्रेसिव होते हैं सारे. और ये उसमें से कोयल ही होती है जो कि और घोंसलों में अंडा देती है. उसके बारे में भी मैं वीडियो कर सकता हूँ इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी, क्योंकि असली जो सीन है वो किसी को नहीं पता जनरली. और मेरे साइड में यहाँ पर जैक और अलास्का खेल रहे हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे दिन मेरे घर में यही चलता रहता है एंड आई लव इट. यस है ना या. वेरी गुड. अरे 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 अरे. तो लोग कहते हैं कि हम भी पालने की कोशिश करते हैं अगर हमें कोई सड़क पे पड़ा हुआ या ऐसे कहीं जरूरत में कोई पक्षी का बच्चा मिलता है, हम भी कोशिश करते हैं उसको ना अच्छे से अच्छी परवरिश देने की, पर वो बच नहीं पाते. तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सारे पक्षी ना कीड़े खाते हैं, इंसेक्टिवोरा होते हैं ये लोग. मतलब इनको कीड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अब उसमें चाहे आप मैना ले लें, चाहे आप स्पैरो ले लें, चाहे आप ये भाई साहब ले लें. मैं डाइट में इनको देता हूँ वर्म्स और भी इंसेक्ट्स. अगर मेरे को कहीं से ग्रास हॉपर्स या क्रिकेट्स मिल जाते हैं वो भी मैं इनको देता हूँ. और मैं इनको चिकन देता हूँ. चिकन बहुत अच्छा होता है, ये उसको डाइजेस्ट भी कर लेते हैं अच्छे से. और क्या देता हूँ मैं इनको, सोक्ड कैट फूड देता हूँ. और मेरे पास ना काफ़ी सारे फॉर्मूलाज भी हैं ये बर्ड्स के.
जैसे ये A19 काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, जो कि लोग मकाओज वगैरह पालते हैं उनके बच्चों को भी यही देते हैं, तो मैं ये देता हूँ। साथ में आप बेसन की गोलियाँ भी दे सकते हो, पर इन सब खानों में कुछ भी रेगुलर नहीं हो सकता। मतलब एक ही चीज़ अगर आप सिर्फ देगे जा रहे हो जानवर को या पक्षी को, वो नहीं होगा, आपको वैरायटी देनी होगी। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको, आप उसमें से कुछ भी दे सकते हो। एंड हियर इज आवर हीरो। मैंने कोयल को अभी रख के आ गया हूँ अंदर, और ये जैक भाई साहब यहाँ पर बैठ के अपनी शक्ल देख रहे हैं। अच्छा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, और अगर कॉमेंट सेक्शन में आपको छोड़ना चाहते हैं तो आई विल बी वेरी थैंकफुल। एंड यस, कीप वॉचिंग, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मैंने एक और चैनल बनाया है, एंड यस यू गाइज कैन चेक दैट आउट टू। बहुत सारे रेस्क्यूज और बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारा अच्छा कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घर के आसपास के जानवरों का भी थोड़ा ध्यान रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।